चलो थ्योरम नोट करो. इफ रिफाइनमेंट पी स्टार, इफ रिफाइनमेंट, इफ रिफाइनमेंट पी स्टार ऑफ कैपिटल पी कंटेन्स पी पॉइंट्स, contains P points more than capital P, more than capital P, and f of x and function f of x is bounded, function f of x is bounded in closed interval AB, in closed interval AB, that is अर्थात mod of function f of x is less than or equal to capital K for all small x belong to the closed interval AB, belong to closed interval AB, then पहली बात जो हमें प्रूफ करनी है वो ये है LPF less than or equal to LP star f and LP star f less than or equal to, या confirmly less than कर दो, confirmly less than LPF, LPF plus 2K mu into P, जहाँ पर mu कौन है, mu is equal to norm of partition capital P. दूसरा रिजल्ट जो हमको प्रूफ करना है वो है UPF, the box का अपर सम UPF greater than or equal to UP star f, UP star f and it is greater than UPF minus 2K mu, बाहर कौन रहा, P. नोट कर, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट एग्जाम के लिए. कहा ही जा रहा है क्लोज इंटरवल AB का एक पार्टीशन कैपिटल P है, ध्यान से समझना और एक ही बार में इतना समझते हुए चलना. क्लोज इंटरवल AB का एक पार्टीशन कैपिटल P है, उस पार्टीशन का एक रिफाइनमेंट तैयार किया गया. रिफाइनमेंट का मतलब कैपिटल P के सारे पॉइंट मौजूद हैं और P स्टार के अंदर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी मौजूद हैं. कितने एक्स्ट्रा मौजूद है इस बात बता दिया गया, P स्टार के अंदर टोटल स्मॉल P पॉइंट और मौजूद है, स्मॉल P पॉइंट और मौजूद है, किससे, P से ज्यादा मौजूद है, ठीक. और इसके साथ साथ हमारा फंक्शन f of x कैसा है, बाउंडेड है ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB. साबित ये करना है पार्टीशन P के लिए, कौन सा पार्टीशन, जिसमें पॉइंट कम है, उस पार्टीशन P के लिए तैयार किया गया डरबॉक्स का लोअर सम रिफाइनमेंट के लिए तैयार किए गए लोअर सम से कम होगा या बराबर, जो कि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, हाँ या ना. दूसरा वाला देखना, इसमें कहा गया कि बाकी बातें बाद में पढ़ेंगे. दूसरा ये कहा गया है कि डरबॉक्स का अपर सम किसके लिए, पुराने पार्टीशन P के लिए, वो रिफाइनमेंट के लिए तैयार किए गए डरबॉक्स के अपर सम से या तो बड़ा बैठता है या तो बराबर, यानी एक्यूरेसी ज्यादा किसमें आती है, P स्टार में. क्लियर हुआ. अब मेरे को ये साबित करना, आगे ये हिस्सा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब ये करना है कि रिफाइनमेंट के लिए तैयार किया गया, रिफाइनमेंट के लिए तैयार किया गया डरबॉक्स का लोअर सम ये छोटा होता है किससे, LPF प्लस 2 बाउंस ऑफ फंक्शन f इनटू नॉर्म ऑफ पार्टीशन इनटू नंबर ऑफ पॉइंट 2k म्यू p. अगर आप डरबॉक्स के लोअर सम में, कौन सा लोअर सम, जो पुराने पार्टीशन के लिए तैयार किया गया है, उस लोअर सम में 2k म्यू p को ऐड कर दोगे तो आपका रिफाइनमेंट के लिए तैयार किया गया लोअर सम कम होगा और ये कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. क्लियर हुआ. यहां क्या साबित करना है, अगर आप डरबॉक्स के अपर सम पुराने पार्टीशन P वाले में, जो आपके लिए डरबॉक्स का अपर सम आया था, उसमें से अगर आप 2k mu p घटा देते हो तो आपका रिफाइनमेंट के लिए तैयार किया गया जो अपर सम था वो बड़ा बैठेगा और ये कैसा बैठेगा, छोटा. यही दोनों रिजल्ट मेरे को साबित करने हैं. इधर का हिस्सा ऑलरेडी हो चुका है, इधर का हिस्सा अपने को प्रूफ करना है. आई बात समझ में, चलो देखते हैं कैसे प्रूफ होगा. सब लोग स्टेटमेंट लिखिए, मिटा करके प्रूफ किया जाए. चल लिखना, सुनो रीजनिंग कैसे शुरुआत होगी वो सुनना. सबसे पहला काम ये होगा कि हम लोग ये मानेंगे कि P स्टार केवल और केवल एक एक्स्ट्रा पॉइंट कंटेन करता है, केवल और केवल कितना, एक. और बाद में हम क्या करेंगे, इसी रीजनिंग को दोहरा देंगे.
कि दो एक्स्ट्रा पॉइंट कंटेन करेगा तो क्या होगा, तीन कंटेन करेगा तो क्या होगा, चार करेगा तो क्या होगा, और लास्ट में पी करेगा तो कितना होगा। क्लियर हुआ? एक एक स्टेप दोहराएंगे। पहले हम लोग कह रहे हैं कि जो अपना रिफाइनमेंट पी स्टार तैयार हो रहा है वो पी से केवल और केवल एक पॉइंट एक्स्ट्रा अपने अंदर में कंटेन करता है। पहली रीजनिंग उसके लिए लिखेंगे, बाद में कहेंगे कंटिन्यू दिस रीजनिंग स्टेप बाय स्टेप। एक एक स्टेप पे हम इस रीजनिंग को क्या करते जाएंगे, कंटिन्यू करते जाएंगे। लिखना, लेट पी स्टार, प्रूफ में लिखो, प्रूफ, लेट पी स्टार कंटेन वन पॉइंट, कंटेन वन पॉइंट, कंटेन्स वन पॉइंट मोर देन कैपिटल पी, मोर देन कैपिटल पी। माना रिफाइनमेंट पी स्टार पुराने पार्टीशन पी से केवल और केवल एक पॉइंट एक्स्ट्रा कंटेन करता है। फुल स्टॉप के बाद लिखना, सपोज, माना सपोज दैट पॉइंट इज, सपोज दैट पॉइंट इज एक्साइ। माना ये पॉइंट कौन है, एक्साइ है, और कहां बिलोंग करता है, एंड एक्साइ बिलोंग टू द क्लोज इंटरवल एक्स आई माइनस वन से लेकर के एक्स आई, यानी ये कहां मौजूद है, आई सब इंटरवल में मौजूद है। क्लियर हुआ? जहां पर हमने प्रूफ किया था एलपीएफ लेस देन आर इक्वल टू एलपी स्टार एफ, वहां याद करो मैंने तीन सब इंटरवल बनाए थे। ये फिगर याद आना चाहिए, एक्स आई माइनस वन, इधर कौन था एक्स आई, ये कौन था एक्स आई। पहला सब इंटरवल ये था, इनफीमा कितना माने थे, दूसरा सब इंटरवल ये था, इनफीमा कितना माने थे, और टोटल इसमें कितना माने थे, एम आई माने थे। यानी एक्स आई माइनस वन से लेकर के एक्स आई तक इनफीमा डब्ल्यू वन, एक्स आई से लेकर के एक्स आई तक इनफीमा डब्ल्यू टू, और पूरे एक्स आई माइनस वन से एक्स आई तक कितना एम आई। वापस इसी बात को मान लें, टेक इनफीमा ऑफ एफ, टेक इनफीमा ऑफ फंक्शन एफ डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू एंड एम आई इन पहला सब इंटरवल एक्स आई माइनस वन से लेकर के एक्स आई, दूसरा सब इंटरवल एक्स आई से लेकर के कितना एक्स आई, और एंड तीसरा एक्स आई माइनस वन से लेकर के एक्स आई रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली आया ना, लिखा जा सकता है। अगर पीछे का रिजल्ट याद हो वहां पर मैंने एल पी स्टार एफ माइनस एल पी एफ निकाला था, याद है? नाउ एल पी स्टार एफ माइनस एल पी एफ इज इक्वल, क्या हो साक्षी कंफ्यूज हो, हाँ तुम्हारी शक्ल पक्का, पीछे का दोहराती चलो, पीछे का नहीं दोहराओगे तो आगे का मान चलो सब इतना कनेक्टेड है ना, सब भूल जाएगा, एक साथ कनेक्टेड है। इसीलिए बार बार कह रहे हैं जितना पढ़ते जाओ घर जाकर के एक बार सबसे तौर से दोहरा जरूर, नहीं दोहराओगे तो सबसे खतरनाक में चल रहे हो, रियल सबसे बड़ा पेपर है, इससे बड़ा पेपर नहीं बना, सबसे बड़ा पेपर है। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे कोई पेपर भारी भरकम है तो अलजेब्रा है, कोई भी है तो अलजेब्रा है, पूरा ग्रुप थ्योरी मॉडर्न थ्योरी जितना कुछ है उसमें ना, गैल्वा फील्ड एक्सटेंशन गैल्वा थ्योरी सब लेकर के सबसे बड़ा पेपर हो, और इधर रियल, तो नंबर एक पे रियल आता है, दूसरे पे अलजेब्रा, तीसरे पे लीनियर अलजेब्रा, वो भी भारी, कॉम्प्लेक्स तो बेचारा सबसे छोटा पेपर। बोलो क्या लिखा जाएगा, ये होगा W1 माइनस कितना एम आई, ठीक, इसके बाद यहाँ कितना एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन, पीछे पलट करके देख सकते हो, पलटो भूले हुए तुम्हें, पलटो प्लस अगला W2 माइनस एम आई, ठीक, इसके बाद एक्स आई माइनस एक्स आई, मिला कि नहीं मिला, यही लिखा गया था वहां पर, नोट करो, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर वन, ये इक्वेशन नंबर वन। जो
चूंकि हम इसको एक बार प्रूफ कर चुके हैं, इसलिए हमको इसे दोबारा नहीं दिखाना है। एग्जाम में आएगा तो तुमको पूरा दिखाना पड़ेगा, ये पूरा तुमको साबित करना पड़ेगा। एग्जाम में थोड़ी लिख दोगे बी नो दैट, यहाँ तो हम यूज कर चुके हैं इसलिए अब लिख रहे हैं। हो जाए तो बताना। अब चलो, अब यहां से हम डेटा इस्तेमाल करते हैं कि फंक्शन को उसने क्या कहा है, बाउंडेड कहा है। अगर आपका फंक्शन बाउंडेड है तो ध्यान तो क्या लिख सकते हैं, सिंस चूंकि मॉड ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल की मानी थी स्मॉल के, कैपिटल के फॉर ऑल स्मॉल एक्स बिलोंग टू द क्लोज इंटरवल ए बी। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट, अच्छा ये बताओ फंक्शन बाउंडेड है पूरे के पूरे क्लोज इंटरवल ए बी पर, तो अपने सारे के सारे सब इंटरवल में भी कैसा होगा बाउंडेड, और अगर अपने सारे सब इंटरवल में बाउंडेड होगा तो जो आई सब इंटरवल आपने तोड़ा उसमें भी कैसा होगा बाउंडेड। अब इसी आधार पर ही बात हो रही है, दिस इंप्लाइज दैट माइनस के लेस देन आर इक्वल टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल के, सही या गलत, अभी तो बाउंडेडनेस में लिखा। अब सुनना, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ माइनस के लेस देन आर इक्वल टू स्मॉल एम आई लेस देन आर इक्वल टू मेन फंक्शन एफ ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू सुप्रीमम कैपिटल एम आई एंड दिस लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल के, सही या गलत। कैपिटल के को केवल अपर बाउंड कहा गया है ना कि लीस्ट अपर बाउंड कहा गया है, जबकि मेरे को पता है एम आई कौन है, आई सब इंटरवल में लीस्ट अपर बाउंड, तो लीस्ट अपर बाउंड अपर बाउंड के या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा, क्लियर है। स्मॉल एम आई को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहा गया और माइनस के को केवल लोअर बाउंड, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से बड़ा बैठेगा या बराबर, ये इनइक्वालिटी लिखी जा सकती है, नोट करो। मेरे को थर्ड सेमेस्टर में टाइम लगता है, थर्ड सेमेस्टर में आज हम सब ग्रुप निकलवा रहे स्मॉलेस्ट सब ग्रुप करने वो करवाने पे ना उसको छोड़ नहीं सकते बीच में, 9:05 को तभी पता था देर हो रही है, लेकिन अब जब तक उसको बताने तब तक निकल रहा है। संडे आपकी संडे 4 घंटे की क्लास लगा रही है, मेंटली प्रिपेयर है ना, इस संडे 4 तुम्हारा पहले भी चलता है सर। वापस सुनो एक और, अरे दुपस ना बोलो तभी बहुत है। एंड अगला सुना, एक और बात हम लोग जानते हैं, W1 और MI इनके बीच में कोई रिलेशन बताओगे, हम लिखा चुके हैं इनके इनके बीच में रिलेशन MI less than or equal to W1, याद आया वहां पर करवाए हुए थे, अब सब यूज कर रहे हैं लिखा, एंड MI less than or equal to कितना W1। अब इसी से एक रिलेशन और बना रहे, दिमाग दौड़ा रहा, इसका मतलब यह दिस इंप्लाइज दैट, सुनो माइनस के लेस देन आर इक्वल टू MI, MI less than or equal to W1, और W1 less than or equal to upper bound capital K, सही कहा या गलत कहा, लिख सकते हैं, नोट करो, नोट पर हम बहुत टुकड़े में काम करवा रहे हैं। अब दो रिलेशन, इसको आप हम लोग लिख रहे ना, इसको बाद में लिखेंगे, इसको मिटा रहे हैं, दो रिलेशन मेरे पास है, एक मेरे पास ये वाला पैकेट है और एक मेरे पास ये वाला पैकेट है, हम इस पैकेट वाली बात लिख रहे हैं, इससे सुनना, यानी दिस इंप्लाइज दैट, इससे मेरे को मिलता है माइनस के लेस देन आर इक्वल टू एम आई, सही या गलत, और इनका हाल देखना, डब्ल्यू वन लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल के, लिख सकते हैं कि नहीं, नोट करो ये दोनों बातें, जिनको दिक्कत लगे हम फिर से लिखें, सही है, ऐसे एरो बना लेना जिन दो बातों से आपने ये सब लिखा हुआ है। Okay.
अगर हम ऊपर वाले में माइनस का मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा? ऊपर वाले में माइनस से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल के ठीक इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस एम आई, हाँ या ना? और जरा इन दोनों को जोड़ दो तो क्या मिलेगा? इन दोनों पे मिलेगा W1 minus MI is less than or equal to K plus K, that is equal to 2K, हाँ या ना? अब दो मिनट रुकना, ये बताओ अभी अभी तुमने ये कहा कि W1 और MI के बीच में रिलेशन है, कहा गया W1 बड़ा है और MI छोटा, या तो दोनों बराबर होंगे और या तो W1 बड़ा रहेगा, तो इसका मतलब या तो ये पॉजिटिव रहेगा या तो ये जीरो होगा, हाँ या ना? तो हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, लिखा जा सकता है कि? नोट करो और इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेना, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो, एक काम कर लिए दूसरा काम आसान है, दूसरा हम सिमिलरली लिखते हैं, देखना सिमिलरली दो मिनट सारे को गिरत निकाल दो इधर इधर सुनो, पहला आपने क्या लिखा W1 माइनस एम आई लेस देन आर इक्वल टू 2K ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, अभी कौन बचा? अभी W2 के साथ MI का रिलेशन बचा हुआ है, तो अगला हम लिख सकते हैं सिमिलरली W2 माइनस MI लेस देन आर इक्वल टू 2K एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, लिखा जा सकता है कि नहीं? दूसरा रिलेशन ये लिखो और इसे इक्वेशन नंबर 3 कह दो, ये आपका सेकंड रिलेशन है इक्वेशन नंबर 3। अब हम लौटेंगे इक्वेशन नंबर 1 के पास, अब लौटना हम इक्वेशन नंबर 1 को एक बार फिर से लिख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 था एलपी स्टार एफ माइनस एलपी एफ इज इक्वल टू W1 माइनस MI इनटू कितना XI माइनस XI माइनस 1 प्लस W2 माइनस MI इनटू कितना XI माइनस XI, हाँ या ना? ये बताओ अभी भी तो हमको पता चला कि ये क्वांटिटी लेस देन आर इक्वल टू 2K है, ये क्वांटिटी लेस देन आर इक्वल टू 2K है, इसका मतलब अगर हम इनका यूज करें यूजिंग इक्वेशन 2 and 3 in 1, तुम लोगों को यही वाली लाइन लिखनी है, ऊपर चाहे लिखो चाहे ना, तो ये बनेगा एल पी स्टार एफ माइनस एल पी एफ। अब सुनो इसको हटा के आप यहां जो रखने जा रहे हो या तो इसके बराबर होगा और या तो इससे बड़ा होगा, यही तो है, तो इसका मतलब होल क्वांटिटी लेस देन आर इक्वल टू 2K XI माइनस XI माइनस 1 प्लस 2K XI माइनस कितना XI, लिखा जा सकता है? लिखना मत, केवल निगाह बनाए रखो, ए इतना बंद करो, फुटो फुटो लिखते रहते, इधर देखो, हाँ लिखो मत, दिस इज इक्वल टू, बराबर थोड़ा हट करके लगाएंगे, इसके बराबर करने चल रहे, दिस इज इक्वल टू 2K को मैंने कॉमन कर लिया, अंदर का हाल कोई बताएगा? अंदर का XI माइनस XI माइनस 1 प्लस XI माइनस कितना XI, क्या XI से XI कैंसिल आउट हुआ, यानी मेरे को मिला कितना, ये मिला एल पी स्टार एफ माइनस एल पी एफ इज लेस देन और इक्वल टू 2K इंटू कितना XI माइनस XI माइनस 1, हाँ या ना? लेकिन मेरे को पता है ये तो आईथ सब इंटरवल की लेंथ है, हाँ या ना? और लेंथ नॉर्म से हमेशा छोटी बैठेगी, लेंथ नॉर्म से छोटी होगी, तो अगर हम इसको हटा करके नॉर्म रख दे तो नॉर्म कौन है म्यू, तो यानी दिस क्वांटिटी इज लेस देन 2K म्यू, सही है? अगर अरे वो बराबर भी हो सकता है, नॉर्म जो नॉर्म होता है ना सारी लेंथ में से सबसे बड़ी वाली लेंथ ली जाती है, क्या पता यही लेंथ सबसे बड़ी हो, तो इक्वल टू लगा देना लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है? वो बराबर भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, और अगर तुम निगाह डालो तो तुमको एक चीज मिला, जब मैंने केवल कितना पॉइंट लिया एक पॉइंट एक्स्ट्रा केवल एक पॉइंट, तो मेरे को क्या मिला, दो मिनट इधर देखो सारे लोग इधर देखो छोड़ो, जब मैंने केवल एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिया कौन सा है XI, तो मुझको यहां मिलता है ये लिख चुके हो, ये वाला तो हो चुका है ना, जब मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिया तो मेरे को मिलता है एफ पी स्टार एफ
इज लेस देन और इक्वल टू, इसको उधर ले जा रहे एल पी एफ प्लस टू के म्यू, हाँ या ना? ठीक, मतलब जब आपने केवल एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिया तो एलपीएफ में एक बार टू के म्यू ऐड हो गया, आप दो एक्स्ट्रा लोगे तो एक का बार ऐड होगा टू के म्यू प्लस टू के म्यू, दो बार तीन लोगे तो टू के म्यू प्लस टू के म्यू प्लस टू के म्यू, पी लोगे तो टू के म्यू इंटू वो पी टाइम्स ऐड होगा, आगे करना नहीं पड़ता, आगे लिखते थे कंटिन्यू दिस रीजनिंग, वी गेट दिस लेस देन आर इक्वल टू दिस प्लस टू के म्यू इंटू, आगे केवल लिख दो, क्लियर हुआ कि नहीं, नोट कर लो, अब प्रॉपर वे में पहले नोट कर लो तब ये अलग से चल रहा है, क्योंकि एक रीजनिंग पर इतने पहुंचे हैं, दूसरा वाला पॉइंट लेंगे तो और भारी भरकम पड़ेगा, इसीलिए हम एक बार लेते हैं और बाकी हम ऑन द वे लिख देते हैं रीजनिंग। सब लोग लिख चुके हैं, बोला जाए लिखना लैंग्वेज हो गया ना सबका, बोल रहे हैं अभी बात की ना, नहीं किसी का सोच में अभी रुके हुए हो गया सबका, लिखो दिस होल्ड्स, दिस होल्ड्स, ये इनक्वेरिटी होल्ड होती है, दिस होल्ड्स फॉर वन मोर पॉइंट, दिस होल्ड्स फॉर वन मोर पॉइंट, दिस होल्ड्स फॉर वन मोर पॉइंट, फुल स्टॉप, लाइन चेंज करना, नाउ सपोजिंग दैट, नाउ सपोजिंग दैट, अब हम ये मान रहे हैं, नाउ सपोजिंग दैट ईच एडिशनल पॉइंट, नाउ सपोजिंग दैट ईच एडिशनल पॉइंट इंट्रोड्यूस्ड, each additional point introduced one by one, each additional point introduced one by one, हम ये मान रहे हैं कि आप जितने additional point ला रहे हैं वो एक के बाद एक ला रहे, इकट्ठे नहीं ला रहा, अगर हम इकट्ठे ला देंगे तो हम कुछ decide नहीं कर सकते, क्यों, मैंने p point इकट्ठे ला दिए, xi1, xi2, xi3, xi4, xi p, अब सोचो मेरे को उतने सब इंटरवल ब्रेक करने पड़ेंगे, वो काम बहुत भारी वर्क हो जाएगा, तो हम क्या करें, पहले मैंने एक्साई लेकर के आए, एक्साई लेकर के एक पॉइंट आए तो मुझको पता चला एक पॉइंट आने पर क्या हो गया, टू के म्यू ऐड हो गया, हाँ ना, तो दो लेकर के आएंगे तो यही टू के म्यू कई बार ऐड होगा, दो बार, तीन लेकर के आएंगे तो तीन, तो वन बाई वन लाते जाओ और ये कितनी बार आ जाएगा, जितने पॉइंट एक्स्ट्रा आएंगे उतनी बार ये आ जाएगा, क्लियर है, इसी को लिखा गया है, this holds for one more point, now supposing that each additional point is introduced one by one, comma, comma करके लिखना, by repeating the above reasoning, by repeating the above reasoning, R-E-A-S-O-N-I-N-G, reasoning, by repeating the above reasoning, p times, we get,
बी गेट, अब लिखना बी गेट एल पी स्टार एफ लेस देन आर इक्वल टू एल पी एफ प्लस टू के म्यू पी, टू के म्यू पी हो गया। आल्सो इसके साथ हम लोग एक और बात जानते हैं, आल्सो एल पी एफ लेस देन आर इक्वल टू एल पी स्टार एफ, ये हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, हाँ या ना, ये ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है। अब इनको कंबाइन करो, बोलो सबको कंबाइन करो, तो सबसे छोटा कौन एल पी एफ, उससे बड़ा कौन लेस देन आर इक्वल टू एल पी स्टार एफ, और एल पी स्टार एफ से भी बड़ा कौन आ रहा है एल पी एफ प्लस टू के, टू के म्यू इंटू कितना बी, नोट कर लो, पहला प्रूफ हो चुका है, पहला प्रूफ हो चुका है। हो गया, टाइम दे रहे हैं, यूपीएफ वाला प्रूफ अभी का अभी खुद से कर, लैंग्वेज बिल्कुल यही रहेगी, इनइक्वालिटी हम पीछे करवा चुके हैं यूपीएफ और यूपी स्टार एफ के बीच में, वहां से नकल करो अभी का अभी करो, घर के लिए नहीं देना, घर के लापरवाही कर ये लिख लो और यूपीएफ वाला कुछ करो, हम वीडियो रोक रहे हैं। हैंडिंग अप डेवॉक्स थ्योरम इंपॉर्टेंट है, डेवॉक्स थ्योरम डेवॉक्स थ्योरम बहुत हल्का आ रहा है ना, डेवॉक्स थ्योरम स्टेटमेंट लिखना इसमें, इफ एफ इज बाउंडेड फंक्शन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इफ यस एफ इज बाउंडेड फंक्शन, इफ एफ इज बाउंडेड फंक्शन, इफ एफ इज बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और संडे को चार घंटे का टाइम निकाल कर रखे रखना, क्योंकि जितना इसे नुकसान हो रहा है 10-15 मिनट ये भी संडे को कवर करेंगे। इफ एफ इज बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी देन टू एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, टू एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, किसी भी छोटे से भी छोटे चुने गए नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए देयर करेस्पॉन्ड, यहां उसी के अकॉर्डिंग होगा देयर करेस्पॉन्ड, देयर करेस्पॉन्ड डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट, जो इस तरह से होगा, पहली बार यूपीएफ, यूपीएफ इज लेस देन इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी अपर कट फंक्शन एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन, और दूसरा आपको प्रूफ करना है एलपीएफ, एलपीएफ इज ग्रेटर देन इंटीग्रेशन फ्रॉम ए लोअर कट टू बी फंक्शन एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन, और ये बात होगी फॉर एवरी पार्टीशन कैपिटल पी, यहां लिखना लास्ट में फॉर एवरी, फॉर एवरी पार्टीशन, फॉर एवरी पार्टीशन कैपिटल पी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी विद विद नॉर्म ऑफ पार्टीशन पी, म्यू ऑफ पी का मतलब नॉर्म ऑफ पार्टीशन पी लेस देन डेल्टा, ये बताओ रीमान का लोअर इंटीग्रल क्या होता है, रीमान का लोअर इंटीग्रल, रीमान का लोअर इंटीग्रल सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ, हाँ या ना, सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ, और मेरे को पता है सुप्रीमम कैसा होता है, यूनिक होता है, अब तुम सोचना ये है सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ, ठीक है, अगर आप सुप्रीमम में से कुछ निकाल दोगे तो क्या वो सुप्रीमम रह जाएगा, नहीं, इसका मतलब अगर आप सुप्रीमम नहीं रह गए आप अपर बाउंड नहीं रह सकते हो, क्योंकि सुप्रीमम कौन होता है लीस्ट अपर बाउंड, हाँ ना, अच्छा वापस बोल रहे हैं उल्टा, हम गलत बोल रहे हैं, सुनो एलपीएफ आपका कौन है, एलपीएफ लोअर सम, ठीक, इंटीग्रेशन ए लोअर कट टू बी एफ एक्स डी एक्स ये कौन है,
रीमान का लोअर इंटीग्रल, रीमान का लोअर इंटीग्रल क्या होता है? सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ होता है। अगर ये सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ है तो इसका दूसरा नाम क्या होता है? अगर ये सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ इसका दूसरा नाम क्या होगा? नहीं समझ पा रहे हो? रुक जाओ, जान लो दिक्कत का होता है। सुनो, पहला पार्टीशन मैंने किया तो एल पी वन एफ पहला मिला, दूसरा किया एल पी टू एफ, फिर अगला पार्टीशन किया एल पी थ्री एफ। इस तरीके से मैंने कई पार्टीशन किए। ये अलग अलग पार्टीशन के लिए क्या लिखे, सारे के सारे किसका कलेक्शन है? ये लोअर सम का कलेक्शन है। हाँ या ना? अब यहाँ देखना, लोअर सम नीचे से आता है। इस लोअर सम की भीड़ में से आप कौन सा मेंबर चुन रहे हो? सबसे बड़ा मेंबर चुन रहे हो। हाँ या ना? तो इसका मतलब लोअर सम की, अगर हम लोअर सम की भीड़ में देखें, लोअर सम की भीड़ में, तो मैंने सबसे बड़ा मेंबर चुना है। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और अगर ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो इसका अगला नाम क्या होगा? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का अगला नाम बोलो, इनफीमम। सोच लो, ये इनफीमम। अपर सम की बात करो, आओ अपर सम में। अब इसको नहीं छोड़ देना, अपर सम, फिर अपर सम, फिर अपर सम, फिर अपर सम, और एक्यूरेट रिजल्ट के नजदीक आ रहे हैं। तो जो एकदम नजदीक वाला होगा, ये सारे अपर सम में, सेट में बात कर रहे हैं, सेट में सारे अपर सम में ये मेंबर सबसे छोटा होगा कि नहीं? तो ये कौन होगा? ये होगा कौन? लीस्ट अपर बाउंड या लीस्ट अपर सम? लीस्ट अपर बाउंड या लीस्ट, दोनों में फर्क है। अगर ये फर्क मिटा दिए ना तो खुद ही कंफ्यूज रहोगे। दोनों में फर्क तो नहीं मिटा रहे हो, लीस्ट अपर सम और लीस्ट अपर बाउंड दो अलग व्यवस्थाएं हैं। कोई चीज जल्दी करना तो बड़ी खराब होगी। अभी हम जल्दबाजी में, रुक जाओ, छोड़ो, रुको, आराम से चलो। आधा खत्म होगा, क्या कर सकते हैं, आधा ही होगा, लेकिन पहले समझो। नहीं समझोगे तो भी तो दिक्कतें हैं। चलो, एक होता है रीमान लोअर सम, हाँ या ना? रीमान लोअर सम, ये जो आपका एलपीएफ होता है, कौन सा लोअर सम जो आपके होते हैं, उन लोअर सम का आप क्या चुनते हो? सुप्रीमम चुनते हो, हाँ या ना? लोअर सम का सुप्रीमम जो चुनते हैं वो आपका रीमान का लोअर सम होता है। अच्छा, तो रीमान का अपर सम क्या होता है? रीमान का अपर सम इनफीमा होता है किसका? यूपीएफ। इनफीमम होता है यूपीएफ का। जितने अपर बाउंड हैं उन सारे अपर बाउंड में कौन सा सबसे छोटा वाला अपर बाउंड आप चुन रहे? सोचो, ये आपका एक्चुअल इंटीग्रल है, समझना, ए टू बी फंक्शन एफ एक्स डीएक्स, ये आपका एक्चुअल इंटीग्रल है। इसके बाद यहां पर आपके पास आएगा यू पी वन एफ, फिर इससे भी बड़ा कौन होगा? यू पी टू एफ, इससे बड़ा आपने क्या ले लिया? यू पी थ्री एफ। सारे अपर सम है कि नहीं? और इन सारे अपर सम की भीड़ में आप कौन सा चुन रहे हो? सबसे छोटा, इनफीमम ऑफ ऑल अपर सम। तो ये आपका होता है, ये इंटीग्रेशन ए लोअर कट, सॉरी अपर सम, ए टू बी अपर कट फंक्शन एफ एक्स डी एक्स। सहमत हो कि नहीं? और आपके एक्चुअल इंटीग्रल के लिए ये अपर बाउंड का काम कर रहा है कि नहीं? पूरे में सबसे छोटा है, लेकिन किसकी भीड़ में? अपर बाउंड की भीड़ में सबसे छोटा है। तो जब अपर बाउंड की भीड़ में सबसे छोटा है तो आपके लिए तो ये अपर बाउंड का काम कर रहा था। हम कर क्या रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि अगर हम रीमान के लोअर, सॉरी अपर इंटीग्रल में कुछ जोड़ दें, रीमान के अपर इंटीग्रल में कुछ जोड़ दें, अव्वल तो ये रीमान का अपर इंटीग्रल है, और रीमान का अपर इंटीग्रल जो आपका होता है, फिर समझें। अब सम की बात कर दी, आगे सुप्रीमा इनफीमा लगा के इंटीग्रल में बदल दिया और सम लिखे रहे, वो गलत था। अब समझ पाए कि नहीं समझ पाए क्या? जब तक मैं इसकी बात कर रहा हूं तब तक केवल हम सम का सेट इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन जब हम आगे ये इकट्ठा कर लिए तो हम इंटीग्रल बना दिए उसको। क्लियर हुआ? अब सुनना, रीमान का लोअर इंटीग्रल जो होता है वो सारे के सारे लोअर सम में कैसा लिया जाता है? सुप्रीमा लिया जाता है। और रीमान का अपर इंटीग्रल जो होता है वो सारे यूपीएफ में कौन लिया जाता है? इनफीमा लिया जाता है। और ये यूनिक होता है, पता है कि नहीं?
अच्छा आप दिमाग दौड़ाना, हम कर क्या रहे, हमने ये जो इंफीमम चुना हुआ है, ये इंफीमम, इस इंफीमम में क्या यही इंफीमा है कि नहीं, ये कौन है पंचामा, इसको रीमान का अपर इंटीग्रल है कि नहीं, और रीमान के अपर इंटीग्रल को ही हम क्या कहते हैं इंफीमा ऑफ यूपीएल। अगर हम इसमें कुछ जोड़ दिए, कुछ भी जोड़ दिए, तो क्या ये इंफीमा रह गया, नहीं रह गया। अगर ये इंफीमा नहीं रह गया तो इसका मतलब कम से कम एक यूपीएफ इसको भी नीचे चला गया होगा कि नहीं चला गया होगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगली बात सुनना, इनमें आओ, ये कौन है रीमान का अपर इंटीग्रल यानी इंफीमा ऑफ यूपीएफ, यूनिक होता है कि नहीं होता, इंफीमा का मतलब कौन, छोटका वाला, सबसे छोटका। अगर आप इसमें से कुछ घटा दो, अगर आप इसमें से कुछ घटा दो तो इसका मतलब अब ये इंफीमा नहीं रह गया। अगर ये इंफीमा नहीं रह गया तो इसका मतलब कोई ना कोई लोअर सम इसको पार करके आगे बढ़ चुका होगा। समझ में आई बातें, यही दोनों बातें आपको समझ, क्लियर हुआ। चलो अभी सारी कंफ्यूजन दूर हुई तुम लोगों की, सारी कंफ्यूजन अभी दूर हुई, चलो काम हड़बड़ी का करते नहीं, मेरा काम बड़ा सुकून का, और हम जब ये हड़बड़ाहट होगी ना मेरी क्लास खराब हो जाएगी। प्रूफ देखना, प्रूफ, चलो पहला प्रूफ कर रहे हैं, पहला प्रूफ फंक्शन को कैसा दिया गया है, बाउंडेड। बस एक काम करना ना, दिमाग एकदम ठहरा में रखना, जिससे उसको दोबारा ना समझाना पड़े, कल समझा देंगे लेकिन आज ना समझाना पड़े ना। पहला लिखना, सिंस चूंकि फंक्शन f कैसा है, बाउंडेड, सिंस f इज बाउंडेड, ठीक, दिस इंप्लाइज दैट अगर f बाउंडेड है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि दियर एग्जिस्ट, यहां मौजूद होगा a नंबर k ग्रेटर देन 0 सच दैट, जो इस तरह से होगा कि मॉड f कंफर्मली लेस देन कितना होगा, k होगा, किसके लिए, फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग टू आवर डोमेन क्लोज इंटरवल a से लेकर के b तक, लिखा जा सकता है कि नहीं, अरे लेस देन r इक्वल टू होना है, मॉड जरा हटाओ तो क्या बनेगा, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ x less than or equal to capital K greater than or equal to minus K, किसके लिए, for all small x belong to the closed interval AB, किसी को कोई दिक्कत इतने में, अब जो बात लिखेंगे इसी बात को बड़े ध्यान से गौर करना, लिख रहे हैं अगेन, अगेन सिंस चूंकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन ए टू बी अपर कट, जो वहां समझा रहे थे ना वही बात लिखने चल रहे, सिंस इंटीग्रेशन ए टू बी अपर कट फंक्शन एफ एक्स डी एक्स, मतलब रीमान का अपर इंटीग्रल, ये क्या होता है, सारे यूपीएफ की दुनिया का इंफीमा होता है, आया ना, रीमान अपर इंटीग्रल इज इनफीमम ऑफ, इज इनफीमम, इनफीमम या इसी को कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक, इनफीमम का ही दूसरा नाम क्या, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इनफीमम ऑफ, इनफीमम ऑफ द सेट ऑफ, सेट ऑफ अपर सम्स, सेट ऑफ अपर सम्स, ठीक, देयरफॉर इसलिए, देयरफॉर इसलिए टू एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, टू एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो दियर एग्जिस्ट, यहां मौजूद होगा अ पार्टीशन, देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी वन, यहां पर एक पार्टीशन ऐसा पी वन जरूर मौजूद होगा, जो कौन है, ये है एक्स जीरो कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू अप टू सो ऑन कॉमा एक्स पी, अब केवल और केवल एक्स जीरो से कहां तक आ रहे हैं, एक्स पी तक आ रहे हैं, ठीक, ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट, सच दैट, इतने तक नोट करो तो हम आगे की बात लिखे तब समझना। Thank you.
जो आएंगे वो अपना पैसा खर्चा करके आ रहे हैं, कटका से आ रहे हैं, सीखे हैं कटका से आ रहे हैं, सीनियर है, अगर वही भागने लगे तो बाहर जाकर के कहीं पढ़ाई नहीं होती, ये है वो है। ये एग्जाम ड्यूटी लगाने वालों की दिक्कत है कि वो क्लास को वरीयता नहीं दे रहे, बस एग्जाम ड्यूटी लगाया जा रहा है। एग्जाम करवा किसी और से करवा, टीचर को टाइम वेस्ट कर देते नहीं, सरकार भी टीचर को इंगेज कर देती है, ये भी टीचर को इंगेज कर देंगे, बताएंगे कॉलेज की व्यवस्था, सेमेस्टर वाइज सिस्टम ही चल रहा है, इसको होना ही नहीं चाहिए। साल भर एग्जाम करवाएंगे, साल भर क्लास डिस्टर्ब रहेंगे। सोचना अपने दिमाग से, क्या हमने क्या लिखा, सिंस रीमान अपर इंटीग्रल इज द इन्फीमम, ये मतलब क्या एक ही पार्टीशन करोगे एक ही पार्टीशन में तुमको इन्फीमम मिल जाएगा? नहीं, वो तो क्लोज्ड इंटरवल ए बी के जितने पार्टीशन हो सकते हैं वो सब कर डालेंगे, और उस पूरी भीड़ में से किसको चुनेंगे, इन्फीमम को चुनेंगे, हाँ या ना? अब तब जाकर के मुझको मिलता है रीमान का कौन सा इंटीग्रल, लोअर सॉरी अपर इंटीग्रल, तब जाकर के आर यू आई मिलता है। क्लियर है कि नहीं? ठीक, अब ये बताना जब हम ये लिख रहे हैं कि दिस इज द इंफीमम, किसका इंफीमम है, इट इज द इंफीमम ऑफ द सेट ऑफ अपर सम्स, एक दो नहीं कई सारे अपर सम है, उनमें सबसे छोटे मेंबर को लिया गया तब ये बना हुआ है। तो इसका मतलब कोई ना कोई पार्टीशन ऐसा जरूर रहा होगा, कोई ना कोई पार्टीशन ऐसा जरूर रहा होगा कि उसमें अगर हम अपर सम निकालें, ये मैंने पार्टीशन बनाया, इस पार्टीशन में अगर हम अपर सम निकालें तो यू पी वन एफ जो निकल करके आएगा ये निश्चित तौर पर ग्रेटर देन होगा इंटीग्रेशन ए टू बी अपर कट फंक्शन एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई टू। नहीं, किसका एप्सिलॉन बाई टू अपनी मर्जी से लगा, वो अपनी मर्जी से लगा, आर्बिट्री पॉइंट है, दिमाग दौड़ाना, ये आपका एक्चुअल इंटीग्रल है, ये आपका एक्चुअल इंटीग्रल है, इधर आपका एक अपर सम यू वन कर दिया, इधर दूसरा अपर सम यू टू, इधर तीसरा अपर सम यू थ्री, इधर हो गया यू फोर, इधर हो गया यू फाइव, सो हम बढ़ते चले गए। ठीक है, चलो हम ये करें, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, यहाँ पर इंटीग्रेशन ए टू बी अपर कट फंक्शन एफ एक्स डी एक्स किसी अपर सम के लिए मेरे पास मौजूद है। ठीक है, यही आपका इंफीमम आपको दे देगा। तो ये बताओ, ये तो अलग पार्टीशन के लिए बना, ये अलग पार्टीशन के लिए, ये अलग के लिए, सब अलग अलग पार्टीशन के लिए बने हुए हैं। अगर ये आपका जो लिखा गया है, ये आपका अपर सम सॉरी इंफीमम है, सबसे छोटा अपर सम अगर ये आपका है, तो अगर हम सबसे छोटे अपर सम में थोड़ा सा बढ़ा दें एप्सिलॉन बाई कितना टू बढ़ा दें, थोड़ा सा बढ़ा दें, तो क्या अब ये आपका इंफीमम रह गया, नहीं रह गया। और अगर ये आपका इंफीमम नहीं रह गया तो इसका मतलब अब इसके इधर और इधर बहुत सारे अपर बाउंड ऐसे अपर सम मौजूद होंगे जो अब इंफीमम बनने की क्वालिटी रख सकते हैं, हाँ या ना? तो इसी बात को यहां पर लिखा जा रहा है कि अब हम लिख रहे हैं कि यहां पर कोई ना कोई, यहां पर वैल्यू देखना क्या लिखे उन्होंने, लैंग्वेज मिलाना, अगेन सिंस इंटीग्रल ए टू बी अपर कट एफ एक्स डी एक्स इज द इंफीमम, ये आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। ठीक, अगर ये आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है मतलब ये आपका इंफीमम है, इससे छोटी वैल्यू अब आपको नहीं मिल सकती, तो जैसे आप इंफीमम में थोड़ा भी अटैच करोगे क्या वो इंफीमम रह जाएगा? और जब वो इंफीमम नहीं रह जाएगा तो इसका मतलब कोई और होगा जो इंफीमम बनने की तैयारी कर चुका होगा, हाँ या ना? यानी यहां पर कई और अपर सम पैदा हो जाएंगे जो अब इंटीग्रेशन ए टू बी अपर कट एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई टू से भी कम हो रहे होंगे। क्लियर, और ग्रेटर देन लगाएं लेस देन, क्लियर हुआ? कोई ना कोई ऐसा अपर सम फिर पैदा हो जाएगा जो इससे भी नीचे आने की कोशिश करेगा, क्यों? क्योंकि अब ये आपका इन्फीमम नहीं रह गया है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, हम इसको ग्रेटर देन लगा, हम ध्यान नहीं, मेरे को ना ऐसी क्लासेस पढ़ानी नहीं है। अच्छा, अभी ये दिक्कत खत्म हुई, समझ गए इसको, लिखना इसी बात को, सच दैट UPF1 UP1F इज लेस देन इंटीग्रेशन ए टू बी अपर कट फंक्शन एफ एक्स डी एक्स और प्लस एप्सिलॉन बाई कितना टू, इक्वेशन नंबर नाम दे देना।
भैया जिनको बहुत डीपली ना समझ आए वो बस मेरी एक बात को मानते रहे बस, ये कौन है, ये इनफीमा, और इनफीमा में कुछ जोड़ के ना दिस इज नॉट इनफीमा, ये इनफीमा नहीं है, तो कोई तो इनफीमा रहा होगा, वो इनफीमा किसी ना किसी पार्टीशन के लिए ही तो आया होगा, तो इसका मतलब कोई ना कोई पार्टीशन P1 ऐसा बन चुका होगा जिस पार्टीशन P1 के लिए निकाला गया अपर सम, अब इससे भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हुआ? कोई ना, अब या तो ये इनफीमा बन जाएगा या तो कोई और बन जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बस इतनी बात समझ लीजिए, इसके बाद आगे देखना। द पार्टीशन P1 हैज, The partition P1 has, ये partition P1 रखता है, the partition P1 has, दिमाग दौड़ाना, ये वाला कौन सा पॉइंट है, ये वाला A, ये कौन सा है B, क्योंकि आपने क्लोज इंटरवल AB का पार्टीशन किया, अगर तुम A और B को छोड़ दो तो क्या पॉइंट ये रखता है, P-1 रखता है, टोटल कितने हैं, 1 से लेकर के P तक तो P है, और A के P प्लस 1 है, आप क्या करो इसको निकाल दिए तो बच्चे कितने P, आपने इसको निकाल दिया तो बच्चे कितने P-1, तो बिसाइड AB आवर पार्टीशन P1 कंटेन P-1 पॉइंट्स। क्लियर हुआ कि नहीं? लिख रहे हैं द पार्टीशन P1 हैज P-1 पॉइंट्स, P-1 पॉइंट्स बिसाइड्स बिसाइड्स X0 इज इक्वल टू A एंड XP इज इक्वल टू B। अगर आप लास्ट के दो पॉइंट को छोड़ दो तो आपका ये इंटरवल, सॉरी ये जो आपका पार्टीशन P1 है ये कुल कितने पॉइंट रखता है, P-1 पॉइंट। क्लियर हुआ? अब हम एक नंबर डेल्टा अपनी मर्जी से बना रहे हैं, वो सुनना, लेट डेल्टा बी अ पॉजिटिव नंबर, लेट डेल्टा बी अ पॉजिटिव नंबर, माना डेल्टा एक पॉजिटिव नंबर है, बी अ पॉजिटिव नंबर सच दैट, जो इस प्रकार है, ये हम मान रहे हैं खुद से हम इस नंबर को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेट डेल्टा बी अ पॉजिटिव नंबर सच दैट, अपर बाउंड क्या मानेंगे फंक्शन का, के मानेंगे, देखना 2k इंटू डेल्टा इंटू कितने एक्स्ट्रा पॉइंट रखे P-1, कुछ याद आ रही कलवाली थ्योरम, 2k P mu याद आ रहा है, वो P पॉइंट एक्स्ट्रा रखा था, अभी हम क्या कर रहे हैं P-1, तो हम डेल्टा नंबर ऐसा प्रोड्यूस कर रहे हैं ना खुद से, क्योंकि मैंने एप्सिलॉन चुना, हाँ या ना, एप्सिलॉन चुना तो एप्सिलॉन बाय 2 मेरी मर्जी का आया, ये है कि नहीं, हम एप्सिलॉन को 4 चुन ले यार मेरी मर्जी, तो 4 बटे 2 का मतलब कितना आया, 2 आया, हम एप्सिलॉन को चुन रहे हैं 1/2, तो 1/2 का भी आधा करोगे 1/4, ये तो तुम्हारी मर्जी का आया ना, अब आपने मुझको कुछ नंबर दे दिए, क्या क्या आपने हमको दिया, आपने मुझको 2 दिया, आपने मुझको k दिया, अपर बाउंड ऑफ आवर फंक्शन, आपने मुझको क्या दिया P-1 पॉइंट, ये भी तो एक नंबर ही तो है, कितने नंबर है P-1, वो भी नंबर है, ये नंबर हो गया, ठीक। अब अगर हम चाहें कि इस नंबर का इस्तेमाल करके हम एप्सिलॉन बाय 2 को प्रोड्यूस करें तो क्या मुझको ऐसा डेल्टा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमेशा आप चाहो तो किसी नंबर का इस्तेमाल करके दूसरा प्रोड्यूस कर सकते हो, क्यों, दौड़ किस में रहे हो, रियल की दुनिया में हमेशा सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, भैया यहाँ डेल्टा है, देखो ना डेल्टा कौन आएगा, डेल्टा इज इक्वल टू आप ले लो एप्सिलॉन अपॉन 4k, नीचे भेजो इनटू p-1, क्या p-1 जीरो हो सकता है, नहीं, वेल डिफाइंड, क्या k जीरो हो सकता है, नहीं, अपर बाउंड ऑफ द फंक्शन, क्या 4 जीरो हो सकता है, नहीं, एप्सिलॉन जीरो, नहीं, ये जीरो, डेल्टा वेल डिफाइंड हो गया कि नहीं, तो क्या आप ऐसा डेल्टा अपनी मर्जी से चुन सकते हो कि नहीं चुन सकते हो, इसलिए मैंने लिखा लेट डेल्टा बी अ पॉजिटिव नंबर, माना डेल्टा एक ऐसा पॉजिटिव नंबर है कि जब आप 2k p-1 में डेल्टा का मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या बन जाता है, एप्सिलॉन बाय 2 बन जाता है, नोट कर, ये हम अपने पर से प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेट डेल्टा बी अ पॉजिटिव नंबर सच दैट 2k डेल्टा p-1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2, इसे नाम कर इक्वेशन नंबर 2, इसे नाम देना इक्वेशन नंबर 2, ठीक। चल अब हम एक और पार्टीशन कैपिटल P मान लें अपनी मर्जी से, टेक अनदर पार्टीशन, लिखना लेट कैपिटल P बी एनी अदर या एनी पार्टीशन लेट कैपिटल P बी एनी पार्टीशन विद
और ये पार्टीशन कैसा है कि जब आप इस पार्टीशन में नॉर्म ऑफ पी निकालते हो, अपनी मर्जी से पार्टीशन बना रहे, टेक कैपिटल बी एनी पार्टीशन, लेकिन किस शर्त के साथ, विद नॉर्म ऑफ दिस पार्टीशन पी लेस देन डेल्टा, जो अभी अभी मैंने नंबर प्रोड्यूस किया डेल्टा, उससे ये कैसा है, छोटा है, पर आप बना सकते हो, हम जितना चाहे उतना नॉर्म को छोटा बड़ा कर सकते हैं, हाँ या ना, ये बताओ भैया, हम एक से लेकर के चार तक में चाहते हैं कि नॉर्म आधे से कम आए, एक बटे दो से कम आए, कैसा करें, कई टुकड़े बांटे इसको, एक से चार तक को कई टुकड़े, 20 टुकड़े में बांट दो, 20 टुकड़े में बांट दो इसको, एक बटे दो से कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। अच्छा, हम चाह रहे हैं कि 1/100 से कम आए नॉर्म, जो आपका इसका नॉर्म है, नॉर्म ऑफ पार्टीशन पी वो लेस देन 1/100 आए, अरे लेस देन 1/100 करो, हम इसको 200,000 टुकड़े में बांट देंगे, 1/100 से कम बैठेगा नॉर्म, क्लियर हुआ कि नहीं, ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना, आप मानते रहो हम इसको छोटा करते चले जाएंगे, क्लियर हुआ। तो इसीलिए लेट कैपिटल पी बी एनी पार्टीशन विद नॉर्म ऑफ पार्टीशन पी लेस देन आवर प्री असाइंड क्वांटिटी डेल्टा, क्लियर हुआ। लेट फर्दर, फिर हम मान लें, लेट फर्दर, घबराना मत, जो नहीं समझ में आएगा फिर हम किसी दिन समझा देंगे आपसे। लेट फर्दर P स्टार पता है ना, कॉमन रिफाइनमेंट तैयार कर रहे हैं, इज इक्वल टू P यूनियन P1, यानी P स्टार इज द कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P एंड P1, उसने P के भी सारे पॉइंट रख लिए और P1 के भी सारे पॉइंट रख लिए। अब गौर करना, लेट फर्दर P स्टार इज इक्वल टू P यूनियन P1, एज P स्टार इज अ रिफाइनमेंट ऑफ कैपिटल P, चूंकि P स्टार एक रिफाइनमेंट है किसका, कैपिटल P का, हैविंग एट मोस्ट P-1 मोर पॉइंट्स देन कैपिटल P। सोचो हमने क्या लिखा है, एट मोस्ट, अधिक से अधिक, कम से कम नहीं का, अधिक से अधिक को कितने एक्स्ट्रा पॉइंट रख सकता है, P-1 मोर पॉइंट्स देन P। क्यों, क्या मैंने यहां कहीं ये वर्डिंग इस्तेमाल की P बी द एनी अदर पार्टीशन, नहीं, P बस मैंने एक पार्टीशन लिया तो वो पार्टीशन P1 के कुछ पॉइंट को रख भी सकता है और नहीं भी। जिस दिन मैंने इस पार्टीशन को ऐसा लिखा कि उसने P1 के कोई पॉइंट नहीं रखे, लेकिन दो तो रखेगा ना, कौन कौन से, स्टार्टिंग और एंडिंग A और B उसको रखेगा, तो सोचो मैंने यहां पर गिनती भी किसको की, तो स्टार्टिंग और एंडिंग को छोड़ करके कई पॉइंट बनाए P-1। अगर आपने ऐसा पार्टीशन तैयार किया जो P1 के सिर्फ दो पॉइंट को रखता है बाकी को नहीं रखता, तो अधिक से अधिक कितने एक्स्ट्रा पॉइंट आपके पास आ गए, P-1, क्लियर है कि नहीं, इसीलिए क्या लिखा, एटमोस्ट, अधिक से अधिक बस P-1 ही आप एक्स्ट्रा रख सकते हो, और अगर और मर्ज कर गए भैया, दो तो पहले मिले थे, 10 और मिल जाए तो 10 और कम हो जाएंगे कि नहीं, तो अधिकतम आप कितने डिफरेंट पॉइंट रख सकते हो, P-1 मोर पॉइंट रख सकते हो, क्लियर है ये बातें, इतना। एस पी स्टार इज द रिफाइनमेंट ऑफ पी हैविंग एटमोस्ट P-1 मोर पॉइंट्स देन P। अब जो कल रिजल्ट प्रूव कराए थे जिसमें तुम लोग जूझे पड़े थे, उसी रिजल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए पुराना रिजल्ट तुम लोग ओपन कर सकते हो, UPF माइनस 2KP-1 डेल्टा, ठीक, इज लेस देन आर इक्वल टू UP स्टार F, सही है या गलत है, कल वाले रिजल्ट का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं, और अगर ऐसा है तो गौर करो UP स्टार F जो होगा, फिर याद करना, रिफाइनमेंट के लिए निकाला गया अपर सम नॉन रिफाइनमेंट के लिए निकाले गए अपर सम से ज्यादा एक्यूरेट होगा या नहीं, रिफाइन करने का मतलब पॉइंट बढ़ा दिया तो एक्यूरेसी बढ़ गई तो अपर सम किधर डाउन हुआ, नीचे की तरफ, तो P स्टार के लिए निकाला गया अपर सम P1 के लिए निकाले गए अपर सम से छोटा बैठेगा, क्लियर हुआ। तो इसका मतलब दिस क्वांटिटी लेस देन आर इक्वल टू U P1, सही या गलत लिखा जा सकता है, और आपको पता है UP1F किससे छोटा है, वो बगल में लगा है, हाँ किससे, दिस इज लेस देन, कंफर्मली लेस देन, ए टू बी अपर कट फंक्शन FX dx plus epsilon/2 मिला क्या पास, यहां से अपने को मिलता है, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ UPF ठीक इज लेस देन इंटीग्रल ए टू बी अपर कट फंक्शन FX dx
प्लस एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू, सही या गलत सोच करके बताना, घबरा गए तुम लोग ना, मत घबराओ, सुनो सुन भैया घबराओ, तुम लोग घबरा जाओगे तो और आपको दिमाग लगाओ। यूपीएफ इसको क्या करेंगे, उधर शिफ्ट कर देंगे, इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो ये पहले तो हम ही घबरा जा रहे हैं, ये हुआ दिस क्वांटिटी लेस देन दिस प्लस दिस, आया ना। अब आप इसको उधर भेजो तो ये क्वांटिटी प्लस टू के पी माइनस वन डेल्टा, लेकिन आपको पता है दिस क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, आया ना, इक्वल टू एप्सिलॉन था, कितना था इक्वल टू एप्सिलॉन बाई टू, तो यहां एप्सिलॉन बाई टू रख दो, यानी दिस इंप्लाइज दैट यूपीएफ इज लेस देन ए टू बी अपर कट एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई टू, और ये प्लस एप्सिलॉन बाई टू, ये इक्वल टू था ना, बस ठीक है, तो जुड़ करके दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी अपर कट एफ एक्स डी एक्स और प्लस कितना हो गया एप्सिलॉन, क्या यही रिजल्ट प्रूव करना था, यूपीएफ इज लेस देन इंटीग्रेशन ए टू बी अपर कट एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन, प्रूफ हो गया ठीक। और ये हर उस पार्टीशन के लिए है जिसमें नॉर्म ऑफ पी लेस देन क्या रहेगा डेल्टा, नीचे वाली लाइन लिख देना, फॉर एनी पार्टीशन कैपिटल पी सच दैट नॉर्म ऑफ पार्टीशन पी लेस देन कितना डेल्टा, नोट कर लो। ये बताओ क्या इसी तरह दूसरा वाला रिजल्ट प्रूफ कर सकते हो, ट्राई अब हम तुमसे ट्राई करवाएंगे इसे, क्योंकि अब अगर सब हम करवाएंगे ना तो तुम प्रैक्टिस में नहीं आ पाओगे, पहले वाले में देखे ना दिक्कत हुई थी, तो दूसरे वाले में अब तुमको एलपीएफ के लिए काम करना है, खुद से करोगे ठीक है, धीमे धीमे ट्राई करना, तुमको हर बात पता है कैसे क्या होगा, बस जहां तुम यूपीएफ ले रहे हो वहां क्या लेकर के चलोगे एलपीएफ लेकर चलोगे, समझ में आई बात है ना? और सेकंड चलोगे स्टेटमेंट इसके लिए, सिमिलरली वी कैन प्रूव अनदर, बोल इतना सिमिलरली वी कैन प्रूव अनदर, अपन ना छोड़ देना, सिमिलरली मत लिखना पूरा कंप्लीट, ये समझ में तो आया ना, बहुत हड़बड़ी में निकाले हैं लेकिन उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा, नहीं आया अच्छा चलो एक दिन देखो आया होगा तो ठीक नहीं देख पाओ, अभी मजबूरी है ना, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि हम लेट ना टाइम पे अपनी क्लास लेंगे, मेरी क्लास लेंगे मेरी नहीं, बस ये थर्ड ईयर किसकी है, नहीं 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 थर्ड ईयर किसकी है, आपको आना चाहिए, अगला स्टेटमेंट लिखो इसे छोड़ते हैं, हम भी जान रहे हो यार स्टेटमेंट तो लिखो, नेसेसरी एंड सफिशिएंट, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर बाउंडेड फंक्शन, फॉर बाउंडेड फंक्शन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर बाउंडेड फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन क्लोज इंटरवल ए बी इज या टू आर इंटीग्रेबल, टू आर इंटीग्रेबल इज दैट फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच विद नॉर्म ऑफ पार्टीशन पी लेस देन डेल्टा फॉर एवरी पार्टीशन कैपिटल पी सच दैट यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन, कह रहे हैं कि अगर आपके फंक्शन को रीमान इंटीग्रेबल होना है, कैसा फंक्शन,
जो कि क्लोज इंटरवल एबी पर कैसा है, बाउंडेड है, तो उसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है कि अपर सम और लोअर सम के बीच का डिफरेंस कम से कम लेस देन क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन होना चाहिए। ठीक, यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन, यही साबित करना है। उस टाइम पर आ गए 43 350। तीन मिनट है, नेसेसरी पार्ट कर सकते हैं ना, नेसेसरी पार्ट कर सकते हैं हम, मैक्सिमम यूटिलाइज हम ओआर वाले हैं ना, ऑप्टिमम क्लोज रहे हैं, ऑप्टिमम पैसे मिल जाए। चलें स्टेटमेंट हो गया तो डायरेक्ट हो गया, सुपर फास्ट एक्सप्रेस में दौड़ा गया अभी। अच्छा मेरी आदत नहीं है ना इतना पढ़ा करके पढ़ाने की, मेरे को खुद ही अटपटा लगा है। लेकिन हम यार सही बताया, हम नुकसान नहीं चाहते कि कॉलेज में क्लास चल जाए, मेरी नहीं है फिर भी हम क्लास ले। सुनो, नेसेसरी में हम ये मान लेते हैं, हम ये मान रहे हैं, माना मेरा फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, और तब साबित करेंगे कि अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो जरूरी है कि यूपीएफ और एलपीएफ का अंतर लेस देन क्या बैठेगा, एप्सिलॉन बैठेगा। ये नेसेसरी पार्ट है, लिखना। सपोज फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल, माना मेरा फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, ये दिमाग अपना इधर से इधर कर लो, अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन ए लोअर कट टू बी फंक्शन एफएक्स डीएक्स, रीमान का लोअर इंटीग्रल बराबर रीमान का अपर इंटीग्रल एफएक्स डीएक्स, और बराबर होगा एक्चुअल इंटीग्रल ए टू बी फंक्शन एफएक्स डीएक्स। सहमत हो कि नहीं सहमत हो, नोट करो फटाफट। इक्वेशन नंबर 1। तुमने अभी एक डेवॉक्स की थ्योरम प्रूफ की है, हाँ या ना, अभी दोनों पार्ट हम उसके लिख रहे हैं, यूजिंग डेवॉक्स थ्योरम। डेवॉक्स के थ्योरम से कोई मेरे को डेवॉक्स थ्योरम का दोनों स्टेटमेंट बताएगा, यूपीएफ इज लेस देन इंटीग्रेशन ए टू बी अपर कट फंक्शन एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई इंटीग्रेशन ए लोअर कट टू बी फंक्शन एफ एक्स डी एक्स और माइनस एप्सिलॉन बाई टू, मेरे को क्या निकालना है, यूपीएफ माइनस एलपीएफ, क्या इधर माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट माइनस एलपीएफ, सारे लोग निगाह बना के रखो, माइनस एलपीएफ इज लेस देन माइनस इंटीग्रेशन ए लोअर कट टू बी फंक्शन एफएक्स डीएक्स और प्लस एप्सिलॉन बाई टू, लिख सकते हैं क्या, यूपीएफ और एलपीएफ लेफ्ट का लेफ्ट आई का राइट जोड़ दिया जाए तो दिस इंप्लाइज दैट यूपीएफ माइनस एलपीएफ ठीक इज लेस देन इंटीग्रेशन बोलना ए टू बी अपर कट फंक्शन एफ एक्स डी एक्स ठीक है माइनस इंटीग्रेशन ए लोअर कट टू बी फंक्शन एफ एक्स डी एक्स और एप्सिलॉन बाई टू और प्लस एप्सिलॉन बाई टू प्लस कितना एप्सिलॉन, लेकिन ये और ये खत्म कैसे, इक्वेशन नंबर वन से ये दोनों बराबर है, यहां लिख देते हैं यूजिंग इक्वेशन वन। एक्चुअल में क्या मिला आपको, एक्चुअल में मिला यूपीएफ माइनस कितना एलपीएफ और लेस देन कितना एप्सिलॉन, क्या कंडीशन इज नेसेसरी हो गया थी, सफिशिएंट कर लिखा है ठीक। फर्स्ट टाइम हम रियल में इतनी स्पीड पकड़े हैं, इस बैचर में बहुत सारी चीजें पहली बार। नोट करो सब लोग, फिर बंद किया जाए।